आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो एक्स एफ थ्री आर के बारे में, जो कि ये गाड़ी आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में मिलने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि हीरो की एक्स एफ थ्री आर जो है ये गाड़ी बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जो कि ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज होने वाला है, क्योंकि आपको इस गाड़ी में जो फीचर मिलने वाले हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो आपको और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा, जो कि आपको इस सेगमेंट के अंदर मिलेगा। ये इकलौती ऐसी गाड़ी होगी जिसमें आपको इतना अच्छा लुक मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं हीरो एक्स एफ थ्री आर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के लुक और डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि अभी आपको वीडियोस में दिख रहा है कि आपको इस गाड़ी के फ्रंट में अपसाइड डाउन के फोर्क मिलने वाले हैं, जो कि आपको गोल्डन फिनिश के साथ मिल जाएगा, जो कि अभी आपको इंडिया में होंडा की हॉर्नेट 2.0 में फ्रंट में आपको गोल्डन फिनिश अपसाइड डाउन के फोर्क मिलते हैं, ठीक वैसे ही आपको हीरो की एक्स एफ थ्री आर में मिल जाएगा। पीछे आपको मिलेगा मोनोशॉक और इसके जो पीछे के स्विंग आर्म है वो आपको सिंगल साइड मिलेगा, यानी कि इसका जो स्विंग आर्म है वो आपको सिर्फ एक ही साइड मिलने वाला है, दूसरी ओर आपको इस गाड़ी में कुछ भी नहीं मिलेगा जो कि आपको वीडियोस में दिख रहा है। पीछे आपको भाई डिस्क ब्रेक मिलेगी, पीछे आपको इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक नहीं मिलने वाले हैं, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही मिलेगा। जिधर इस गाड़ी का चेन का इस पॉकेट है वहीं पर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा, जो कि आपको गाड़ी के लॉन्च होने के बाद मिल जाएगा। MV अगस्टा की ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं या फिर और भी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनमें आपको सिंगल साइड स्विंग आर्म मिलता है, तो आपको इस गाड़ी में भी सिंगल साइड स्विंग आर्म मिल जाएगा, जो कि आपको इस सेगमेंट के अंदर और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है अभी, लेकिन आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। हीरो की एक्स एफ थ्री आर ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी मस्कुलर लगने वाली है, जो कि आपको वीडियोस में दिख रहा है कि इसका जो टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और मस्कुलर है। इसमें आपको इंजन काउल वगैरह मिल जाएगा और इसका जो साइलेंसर है वो आपको गाड़ी के जो पीछे की सीट है पिलियन की वहाँ तक का आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर है इसका साइलेंसर, जिससे कि इस गाड़ी का जो पीछे वाला व्हील है वो अच्छे से दिखे कि कंपनी ने इस गाड़ी में सिंगल साइड स्विंग आर्म दिया है। और इस गाड़ी की जो सीट है वो आपको मिलेगी स्प्लिट, जो कि काफ़ी अच्छी हाइट आपको देने वाली है पीछे वाले पिलियन को भी। और इसके जो हैंडल बार्स हैं वो आपको मिलेंगे सिंगल पीस, इसमें आपको क्लिप ऑन के हैंडल बार्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर बात करें गाड़ी के फीचर के बारे में तो आपको इस गाड़ी में फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाएंगे। साथ में आपको इस गाड़ी में स्मार्ट टेक्स्ट कनेक्ट का फीचर भी मिल जाएगा और आपको इस गाड़ी में कुछ राइडिंग मोड भी मिलने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है कि आपको क्या क्या राइडिंग मोड मिलेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको इस गाड़ी में राइडिंग मोड मिलेगा। और इस गाड़ी का जो लाइटिंग का सेटअप है वो आपको मिलेगा फुली LED का, यानी कि आपको इस गाड़ी में LED के हेडलैम्प, टेल लैम्प और इंडिकेटर्स आपको फुली LED के मिल जाएंगे। साथ में आपको इस गाड़ी में LED का DRL भी मिल जाएगा। कंपनी आपको इस गाड़ी में साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच का फीचर भी देने वाली है। हीरो एक्स एफ थ्री आर में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क मिल जाएगी। साथ में आपको इस गाड़ी में मिलेगा ड्यूअल चैनल ABS। फ्रंट में आपको मिलेंगे 100 mm के टायर, रियर में आपको मिलेंगे 140 mm के टायर। और इसके जो टायर्स हैं वो आपको मिलेंगे ट्यूबलेस 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, जो कि ये गाड़ी काफ़ी वाइड टायर के साथ लॉन्च होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं हीरो एक्स एफ थ्री आर के इंजन के बारे में। इस गाड़ी में आपको 300cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 4-वाल्व इंजन मिल जाएगा, जो कि आपको BS6 नॉर्म के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो बात करते हैं गाड़ी की पावर फिगर के बारे में। इस गाड़ी में आपको लगभग 28 BHP का मैक्स पावर मिलेगा और इसका जो टॉर्क है वो आपको लगभग 35 Nm के आसपास मिल जाएगा। अभी तक भाई इस गाड़ी की जो पावर फिगर है वो कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये एक अंदाजा है कि आपको क्या पावर फिगर मिलने वाली है। साथ में आपको इस गाड़ी में सिंगल सिलेंडर 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, जिससे कि आपको इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, जो टॉप एंड है, वो आपको काफ़ी दमदार मिलेगा, लेकिन माइलेज आपको कम मिल सकता है। तो अब हम फाइनली बात करते हैं गाड़ी के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। ये गाड़ी आपको लगभग इंडिया में 1.85 लाख रुपीज़ के आसपास एक शोरूम मिल जाएगी। और भाई ये कन्फर्म प्राइस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। प्राइस आपको थोड़ा बहुत तो आगे पीछे मिलेगा ही। तो बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। भाई न्यूज़ के हिसाब से ये गाड़ी आपको 2021 के मार्च में मिलने वाली है, लेकिन अभी तक हीरो की ओर से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि हीरो की एक्स एफ थ्री आर कब लॉन्च होगी।
लेकिन न्यूज के हिसाब से ये गाड़ी आपको 2021 के मार्च में मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।